हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है हमारी वो किस तरीके से अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तरह। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें आपको तो हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो होता है ये भी हमारी एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। तो अगर हम कहें स्टूडेंट्स आपसे कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में, आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या होती है। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया, यानी कि यह एक फ्लॉपी डिस्क जो है यह एक स्टोरेज का मीडियम है, माध्यम है, दैट रीड्स डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन, जो कि रीड करती है, पढ़ती है स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को डेटा के, ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्केट। इसलिए हम इसको फ्लॉपी डिस्केट भी बोलते हैं। फ्लॉपी और फ्लॉपी डिस्क दैट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यानी कि फ्लॉपी होती है या फिर फ्लॉपी डिस्क होती है, इसको हम जो है डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वह डेटा हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा, लाइक अ कंप्यूटर फाइल, जैसे कि कंप्यूटर की कोई फाइल हो। इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर स्टोरेज क्रिएटेड इन 1967 बाई IBM। यानी कि अगर हम कहें तो यह उस समय का थोड़ा महंगा डिवाइस हुआ करता था स्टोरेज पर्पस के लिए, क्योंकि यह फर्स्ट टाइप था हार्डवेयर स्टोरेज का जो कि क्रिएट किया गया था 1967 में IBM के द्वारा, जो कि क्रिएट किया गया था 1967 में IBM के द्वारा, विच कुड रीड ऑब्लिक राइट अ पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि यह दोनों फंक्शन, यानी कि रीड भी और राइट भी दोनों फंक्शन परफॉर्म करता था, इसलिए इसको रीड राइट पोर्टेबल डिवाइस भी बोलते थे हम। ओके स्टूडेंट्स, When it was first invented, यानी कि जब इसको पहले invent किया गया था, users were unable to write data, यानी कि जो users थे वह unable रहते थे write करने के लिए data को, to them like CD-ROM, जैसे कि CD-ROM पर। अब CD-ROM की अगर हम बात करें तो CD stands for compact disk and ROM stands for read only memory, and it was 8 inches, यानी कि यह जो होता था हमारा 8 inches का रहता था diameter में, यानी कि 8 inches का डायमीटर में रहता था। दिस डिस्क वाज ओनली एबल टू स्टोर 80 kilobytes ऑफ डेटा, यानी कि यह जो डिस्क थी यह एबल होती थी 80 KB का डेटा स्टोर करने के लिए। बट लेटर वर्जन्स बिकेम कैपेबल, और जो इसके बाद के वर्जन आए, लेटेस्ट वर्जन आए, वह कैपेबल होते थे स्टोर करने के लिए, यानी कि इसके 10 times more data को, जो 80 KB डेटा स्टोर करता था वह फिर 800 KB डेटा स्टोर करने लगा। द फ्लॉपी डिस्क वर्स रिप्लेस्ड बाई द डिवाइसेज, यानी जो फ्लॉपी डिस्क थी उनको रिप्लेस किया गया डिवाइसेज से, लाइक USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि USB पोर्ट की हेल्प से चलती हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आप देखते होंगे कि USB केबल होती है, USB केबल जनरली हमारे, आज हम चार्जिंग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो चार्जर्स में जनरली हमारा जो पोर्ट रहता है, केबल का जो पोर्ट रहता है वह हमारा USB पोर्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इस तरीके की। स्टूडेंट्स, हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती थी वह कुछ हमारी इस तरीके की होती थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क वर कैपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइट डेटा, फ्लॉपी डिस्क जो होती थी स्टूडेंट्स वह कैपेबल होती थी रीड और राइट करने के लिए डेटा को। एट दैट पॉइंट इट कंटेंट 4 basic components, अगर हम कहें इस पॉइंट के बेसिस पर, तो यह जो 4 basic components को अपने पास रखती है फ्लॉपी डिस्क। तो वो 4 basic concept कौन से होते हैं, आइए स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक रीड राइट हेड्स, यानी कि इसके अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं, एक कंपोनेंट इसका जो मेन कंपोनेंट रहता है वह रहता है हमारा रीड राइट हेड, यानी कि जो मैग्नेटिक मैनर में डेटा को रीड और राइट करता है। कंटेनिंग ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इट इंक्लूड्स अ सर्किट बोर्ड, यानी कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो यह अपने पास जो है सर्किट बोर्ड को रखता है।
इट कंप्राइजेज अ लीवर विद अ फ्रेम दैट हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द डिवाइस, यानी कि यहाँ पर एक लीवर भी होता है जो कि डिवाइस को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्लेस्ड थ्रू अ स्पिंडल क्लैंपिंग डिवाइस बिकॉज इट इज स्पिनिंग 300 to 360 रोटेशंस एवरी मिनट, यानी कि यह जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसको हम स्पिंडल क्लैंपिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो रखा जाता है यह स्पिंडल क्लैंपिंग डिवाइस पर रखा जाता है क्योंकि यह एक मिनट में 300 से 350 के बीच में जो है राउंड लगाता है, रोटेशन लगाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस रोटेशन की हेल्प से स्टूडेंट यह जो हमारा सिस्टम होता है वो डेटा को रीड करता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि क्या क्या एडवांटेज रहती है हमारी फ्लॉपी डिस्क की। सो एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट फर्स्ट आती है हमारी पोर्टेबिलिटी, फर्स्ट आती है एडवांटेज हमारी स्टूडेंट पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि डेटा को एट एनी टाइम एट एनी वेयर वी कैन यूज़, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल होती है, इसको हम कभी भी किसी भी समय अपने डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते थे। कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज आता है स्टूडेंट वह रहता है हमारा कंपैटिबिलिटी, यानी कि यह कंपैटिबल रहता था न्यू वर्जन के साथ भी और प्रीवियस वर्जन के साथ भी, यह हमारा कंपैटिबल रहता था यानी कि लेटेस्ट वर्जन के साथ भी और ओल्ड वर्जन के साथ भी। नेक्स्ट हमारा बूट डिस्क, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट बूट डिस्क, यानी कि बूट डिस्क की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्प से हम जो हमारी फ्लॉपी होती थी फ्लॉपी की हेल्प से हम क्या था बूटेबल डिस्क बना लेते थे अपनी, जो कि हमारे सिस्टम को रिबूट करने के लिए हेल्प करती थी। तो ये स्टूडेंट तीन हमारे बेसिक एडवांटेजेस होते हैं फ्लॉपी डिस्क के, जिसमें कि फर्स्ट था हमारा पोर्टेबिलिटी, सेकेंड था हमारा कंपैटिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज बूट डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि हमारे फ्लॉपी डिस्क के क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका जो रहता है वह रहता है हमारा स्पीड, यानी कि इसकी अगर हम करें तो ट्रांसफ़र रेट कहें या इसकी हम जो हमारे स्टोरेज स्पीड रहती थी वह स्लो रहती थी, ठीक है, स्लो रहती थी, तो जिसकी वजह से इसको फ्लॉपी को धीरे धीरे यूज़ में लाना कम किया गया, ठीक है। देन स्टोरेज अगर हम बात करें तो आपने जिसे देखा होगा अभी हमने बेसिक पॉइंट्स पर भी बात करी कि इसको जो हम यूज़ करते थे तो स्टार्टिंग में 80 KB डेटा स्टोर करते थे, स्टार्टिंग में 80 KB डेटा स्टोर करते थे, देन थोड़ा समय आगे बढ़ा तो मैक्सिमम डेटा जो हम स्टोर करते थे वह 800 KB रह गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप भी जानते होंगे 800 KB में कितना डेटा आता है, ठीक है, आज के दौर में अगर हम देखें तो 80 KB का जो है मोस्टली 800 KB के हमारे दो या तीन इमेजेस होती हैं HD इमेजेस। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टोरेज की जो बात करें तो स्टोरेज हमारी यहाँ पर कम रहती थी जिसकी वजह से ये धीरे धीरे यूज़ होना कम होता गया फ्लॉपी डिस्क का। देन फाइल करप्शन अगर हम कहें तो यहाँ पर हमारा जो सिक्योरिटी का फीचर्स था वो यहाँ पर उसकी कमी रहती थी, यानी कि यहाँ पर लैक ऑफ सिक्योरिटी रहती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क के अंदर। इस वजह से स्टूडेंट जनरली हमारा क्या होता था फाइल्स जो होती थी वह इजीली करप्ट हो जाती थी, यानी कि बेस फाइल जो होती इजीली करप्ट हो जाती थी, इसलिए यहाँ पर फाइल करप्शन जो है हमारा अकर होता था मेनली। तो ये स्टूडेंट्स हमारी तीनों बेसिक डिसएडवांटेजेस थी फ्लॉपी डिस्क की। तो स्टूडेंट आइए अब डिस्कस करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने जो पढ़ा कि यह एक स्टोरेज मीडिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम डिस्केट फ्लॉपी भी बोलते हैं और फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं, जो कि स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कंप्यूटर फाइल की तरह, जैसे कि कंप्यूटर फाइल्स होती हैं हमारी। इट वाज यह हमारा एक्सपेंसिव होता था क्योंकि यह फर्स्ट टाइप था हार्डवेयर स्टोरेज का जिसको 1967 में IBM के द्वारा डेवलप किया गया और जिसको हम जो है यूज़ करने लगे रीड राइट पोर्टेबल डिवाइस की तरह। व्हेन इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, यानी कि जब इसको प्रथम इसका आविष्कार यानी कि डेवलप हुआ है ये, यूजर्स वर अनेबल टू डेटा, यूजर्स जो थे वह अनेबल थे राइट डेटा को लिखने के लिए, तो यहाँ पर जो है CD-ROM का भी इस्तेमाल किया गया जो कि इस्तेमाल में कम आने लगी।
यह जो है 8 इंचेस की होती थी डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर होता था, परिधि जो होती थी इसकी, वह 8 इंचेस की होती थी। यह डिस्क जो होता था एबल होता था स्टोर करने के लिए 80 KB डेटा को, बट इसके अगर बाद में लेटेस्ट वर्जन जो आए वह 800 KB तक डेटा स्टोर कर लेते थे। देन इसके बाद जो फ्लॉपी डिस्क के बाद जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा हमारा, वह हमारा उन्होंने लगा स्टूडेंट USB का, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का। यूनिवर्सल सीरियल बस की अगर हम बात करें तो यह हमारा जनरली USB पोर्ट के साथ इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है हमारा, ये डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वह हमारे होते हैं मैग्नेटिक रीड राइट हेड्स, ठीक है, जो कि रीड और राइट करते हैं डेटा को। यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें रखता है, जैसे कि यह अपने साथ सर्किट बोर्ड को भी रखता है। इट कंप्राइजेज अ लीवर, यहाँ पर हमारा एक लीवर भी होता है फ्रेम के साथ, जो कि ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है डिवाइस को। यह जो है फ्लॉपी डिस्क रखी जाती है स्पिंडल क्लैंपिंग डिवाइस पर, जो कि इसको 1 मिनट में 300 से लेकर 350 रोटेशन लगाती है जब ये ऑपरेशन में होती है, यानी कि जब इस पर काम किया जा रहा होता है फ्लॉपी डिस्क पर। एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी एडवांटेजेस होती है स्टूडेंट पोर्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, देन द लास्ट वन इज बूट डिस्क, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें जिसमें जो कमियां रहती हैं, वह रहती हैं द स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज टू स्लो। देन स्टोरेज की बात करें तो देयर इज नो एनफ स्पेस इन फ्लॉपी डिस्क। देन फाइल करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।